वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की मेरा टॉपिक है हेपेटाइटिस बी, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन होता है, एक वायरल डिजीज होती है। आज की वीडियो में इसकी वजूहत जान पाएंगे, इसकी क्या वजह होती है आज की वीडियो में ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, की हेपेटाइटिस बी जो है वो इसकी क्या वजह होती है। हेपेटाइटिस बी की बीमारी ऐसे इंसान जो की हेपेटाइटिस बी का जो है वो शिकार हूँ, इनके जिस्म से निकलने वाला जो भी माया होती है, फ्लूइड होता है, यानी पानी की सूरत में जो है वो मादा की सूरत में दूसरे इंसान को जो है वो मुंतकिल करने की वजह जो है वो बनते हैं। ये फ्लूइड जो है वो या तो पानी के मुख्तलिफ जाय होते हैं दूसरे इंसानों तक पहुंचने के लिए। यानी मिसाल के तौर पर पहली वजह यह है कि मुतासरा इंसान के खून से, यानी जिस इंसान को ऑलरेडी ये वाली हेपेटाइटिस होती है, यानी वो मुतासरा इंसान होता है, उसके खून से ये बीमारी जो है वो दूसरे इंसानों तक पहुंचती है, यानी फ्लूइड या पानी जो है यानी खून की सूरत में, क्योंकि खून जो है वो एक फ्लूइड की एक शक्ल होती है, यानी पानी की तरह होता है, या माया कह लीजिए, यानी खून के जरिए दूसरे इंसानों तक पहुंचती है, यानी खून देने से। यानी मुतासरा इंसान जिसको यानी पहले से ये बीमारी, अगर वो खून किसी और को देता है तो ये खून के जरिए दूसरे इंसान तक ये बीमारी जो पहुंचती है। नेक्स्ट जो इसकी वजह है वो ये है कि अगर कोई औरत इस वायरस का शिकार होगी तो उसकी शर्मगाह से, यानी इसके प्राइवेट पार्ट से, विजाइना से जो है वो निकलने वाला पानी, फ्लूइड जो होता है, इस वायरस को जो है वो दूसरे इंसान तक पहुंचाने, ट्रांसफर करने का जरिया जो है वो बनता है। और अगर मर्द इस वायरस का शिकार होगा तो इसके स्पर्म यानी सीमन मनी जो होती है, उसके पानी इस वायरस को दूसरों तक पहुंचाने की वजह जो है वो बनता है। यानी हेपेटाइटिस बी का जो है वो HBV वायरस, जो कि इन लोगों में जारी बातें मौजूद होता है, और ये वायरस दूसरों तक जारी बातें फ्लूइड की शक्ल में, जो कि पानी अभी आपके सामने सिचुएशन बताई गई है, इन्हीं के जरिए जो है वो दूसरों तक पहुंचता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसकी वजह होती है वो इस्तेमाल शुदा सिरिंज इंजेक्शन का जो है वो इस्तेमाल करना, ये इसकी वजह बनती है। इसके अलावा ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना, यानी फिजिकल रिलेशन बनाना जो कि हेपेटाइटिस का शिकार हो, यानी जिस लाइफ पार्टनर को हेपेटाइटिस की ये टाइप होगी, दूसरे को ये वायरस जो है वो जिस्मानी ताल्लुक के दरमियान जो है वो मुंतकिल हो जाता है। इसके अलावा रेजर्स ब्लेड्स वगैरह जो होते हैं हेपेटाइटिस बी के शिकार इंसान के साथ, अगर आप शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो इस सूरत में जो है वो दूसरे इंसान को ज्यादा खतरा हो सकता है। जाहिर बात है, अगर इन्फेक्टेड इंसान का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस सूरत में ये वायरस जो है वो दूसरे इंसान को मुंतकिल हो जाता है। इसीलिए सर्चिस के मुताबिक कहा जाता है कि आप अगर आप किसी हेयर कट की दुकान, शॉप्स वगैरह पर जाते हैं कटिंग के लिए, या फिर शेव बनवाने के लिए, या फिर खवातीन जो है वो आजकल सलोन्स वगैरह का जो है वो काफी ट्रेंड है, तो हर कोई जो है वो ऐसी जगहों को जो है वो विजिट करते हैं, तो ये जो जगहें हैं वो इस वायरस को फैलाने की जो है वो एक वजह बनते हैं। तो इसलिए जो भी आप चीज इस्तेमाल करते हो तो न्यू ब्लेड्स वगैरह का जरूर कहें, या फिर आजकल क्योंकि चेक बैलेंस काफी हो रहा है कि लोगों को बताया जा रहा है, ऐसे लोग जो इस कारोबार से मुतलका होते हैं उनको भी काफी तक वे किया जाता है कि लोगों की हिफाजत के लिए, या फिर लोगों को इस वायरस से बचाने के लिए इन लोगों को भी कहा जाता है कि आप जो है वो हर न्यू कस्टमर के लिए आप ब्लेड्स वगैरह जो है वो नए इस्तेमाल कीजिए, ताकि लोग जो है वो इस वायरस से महफूज रह सके। और क्योंकि ऐसी प्लेसेस पर, जगहों पर जो है वो एक नहीं हजारों लोग जाते हैं, तो सारी बात है ये जगहें जो है वो काफी हद तक के इस वायरस को फैलाने की वजह बनती है। और एक तहकीक के मुताबिक पूरी दुनिया में 350 मिलियन लोग जो है इस खतरनाक बीमारी के साथ जो है इस दुनिया में मौजूद हैं अभी। तो जारी बात है ये शॉप्स वगैरह जो है यही इसकी वजह बनते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि इन्फेक्टेड होते हैं उनके ब्लड से, या फिर इस्तेमाल शुदा सिरिंज जो होती है वो भी इस्तेमाल की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और प्लीज अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कॉमेंट में आप जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो फिर भी कॉमेंट में जरूर लिख कर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।